स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ मुंजिर। और आज आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस लीक का मामला पूरा चल रहा है वो किस तरीके से वीडियोस लीक हो जाते हैं। काफ़ी सेंसिटिव इशू है और वीडियो लीक कई बार अनइंटेंशनली होता है। कई बार तो जानबूझ करके लोग कहीं शेयर कर देते हैं पर्सनल वीडियोस या फिर प्रोफेशनल वीडियोस, बट लीक जो होते हैं इसके कई वजह होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता और आपके फ़ोन से आपकी पर्सनल प्राइवेट सेंसिटिव वीडियोस लीक हो जाती हैं। सबसे पहली वजह ये होती है कि फ़ोन में कई बार ऐसे ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं, वो खुद से इंस्टॉल करते हैं और उसकी परमिशन भी आप खुद से देते हैं। अब आपने ऐप इंस्टॉल कर ली, आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो ऐप जो है वो आपकी गैलरी का भी एक्सेस ले रहा है। चूँकि आपने परमिशन दे दी है और वो गैलरी का एक्सेस ले रहा है तो उसे लीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वीडियोज़ या फोटोज़ आपकी लीक हो सकती हैं अगर कोई ऐप गलत इरादे से बनाया गया हो। हम आपको ये भी बताएंगे कि वीडियो लीक हो रही है या फिर फ़ोन से कोई पर्सनल डेटा लीक हो रहा है तो उसको जाने कैसे, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको पता चल सकता है कि आपका फ़ोन या तो हैक हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फ़ोन से लीक हो रही हैं। पहली बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ क्लाउड पे रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जीमेल पे आपने सेव कर रखा है या फिर ड्रॉपबॉक्स पे रखा है या फिर दूसरे क्लाउड पे आपने अपनी वीडियोस को सेव करी हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ से लीक हो जाए, क्योंकि डेटा लीक में क्लाउड सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली चीज़ है और वहाँ से आसानी से वीडियोज़ लीक हो सकती हैं। एक तरीका ये भी है लीक होने का, वो ये कि आपके फ़ोन पे कई सारी वीडियोज़ होती हैं और ये नेक्सस चलता है अगर आप फ़ोन बेच रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स का मार्केट बहुत बड़ा है और जैसे ही आपने फ़ोन बेचने की तैयारी की तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसे रीसेट करते हैं, पूरा क्लीन फॉर्मेट करते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि आपने एक बार उसे फैक्ट्री रीसेट कर दिया फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसमें जो आपके फाइल्स हैं वो दूसरा एक्सेस ना कर पाए। उदाहरण के तौर पर आपने फैक्ट्री रीसेट करके फ़ोन किसी को बेच दिया है और उसमें आपके वीडियोज़ फ़ोटोज़ सारा डेटा पड़ा हुआ है, अब वो फ़ोन किसी और के पास जाता है, वो उसे यूज़ करता है। अगर वो गलत इरादे से ये जानना चाहे कि जो जहाँ से फ़ोन ख़रीदा गया है उसके फ़ोन में क्या फाइल्स थी तो वो रिकवर करा सकता है। आई रिपीट कि वो रिकवर करा सकता है, आपने लाख उसे फैक्ट्री रिसेट कर दिया है फिर भी वापस रिकवर करा सकता है। उसके लिए मैपिंग होती है, किसी भी स्मार्टफोन्स में ड्राइव होते हैं, डिस्क नहीं ड्राइव होता है, छोटा सा लगा होता है मेमोरी जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अब फिज़िकल जो स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी है मेमोरी प्रोवाइड करती है, तो वो उसकी मैपिंग करके उसका सारा डेटा को फिर से रिकवर कर देती है। तो इससे बेटर है कि आप जब भी कोई फ़ोन बेचें पुराना तो उसको सिर्फ फैक्ट्री रीसेट करना काफ़ी नहीं है बल्कि उस पर जंक फाइल से ओवरराइट कर देना होगा। इसके बारे में खैर एक एक्स्ट्रा वीडियोस लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से आप पुराने फ़ोन को बेच सकते हैं। अभी हम इस पे रहते हैं कि वीडियोस लीक कैसे होते हैं। दो तरीके हमने आपको बताए कि एक तो फ़ोन में कोई ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, दूसरा क्लाउड से, और तीसरा ये जो मेमोरी आपने रीसेट करके बेचा है, फ़ोन की मेमोरी को रीसेट करके आपने फ़ोन बेचा है तो वहाँ से भी फेच हो सकता है। तीसरी चौथी चीज़ बहुत कॉमन है जो आमतौर पर भारत में ज़्यादा लोग करते हैं, किसी भी फ़ोन का या फिर किसी भी अकाउंट का पासवर्ड ऐसा बनाया जाता है जो कोई भी आसानी से गेस कर सकता है। तो हो सकता है कि आपके पास वाला ही कोई गलत इरादे से आपका पासवर्ड गेस करके आपकी जीमेल आईडी से फिच करके, क्योंकि जीमेल आईडी से बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं, एक बार अगर आपका जीमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो बहुत सारा डेटा यूं ही लीक हो सकता है, तो एक वजह उसकी ये भी हो सकती है। एक और है कि आजकल टेलीमार्केटिंग वाले कॉल करके आपके फ़ोन पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं, वो दरअसल रिमोट यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर होता है, हालांकि उस सॉफ्टवेयर को बनाया अच्छे मकसद से गया होगा। फॉर एग्जांपल आपने टीम वीवर का नाम सुना होगा, एमई एडमिन का नाम सुना होगा, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके जो स्कैमस्टर्स हैं वो आपके फ़ोन पे किसी तरीके से इंस्टॉल करा देते हैं। एक बार आपके फ़ोन पे वो इंस्टॉल हो गया तो आपके फ़ोन का ना सिर्फ प्राइवेट डेटा बल्कि जो भी फ़ोन में है धीरे 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 वो सारा लीक हो जाएगा। अब बताते हैं कि ये जो लीक हो रहा है आप कैसे समझ पाएंगे कि मेरे फ़ोन से कुछ लीक हो रहा है या फिर कोई दिक्कत है। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि आपका डेटा बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। डेटा एग्जॉस्ट इस वजह से होता है क्योंकि बैकग्राउंड में वो वीडियो या फिर कोई भी फाइल आपकी लीक हो रही होती है तो जाहिर सी बात है वो डेटा एग्जॉस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बैटरी तेज़ी से ड्रेन होगी। तीसरी चीज़, फ़ोन स्लो होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़,
फ़ोन का फ्रंट कैमरा आप ही अपने आप ही खुल जाएगा या फिर तेज़ी से बैटरी ड्रेन होने के साथ फ़ोन रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, कभी कभी खुद से स्क्रीन फ्लैश होगी। तो ये दो तीन छोटी सी चीज़ें हैं अगर आप देखें, और पासवर्ड को ध्यान में रखें क्योंकि ऐसा पासवर्ड ना बनाएं जो गेस किया जा सके, या फिर कोई ऐसा ऐप ना डालें जो कि अननेसेसरी आपके फ़ोन की परमिशन लेता हो और उसका कोई ज़रूरत उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं हो आपके फ़ोन में, क्योंकि आप उसको अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते, क्योंकि आप उसके पास जा नहीं सकते, उसका डेवलपर क्रेडिबल नहीं होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर के आप बड़े स्कैम से बच सकते हैं। तो इस तरीके के और दिलचस्प वीडियो और टिप्स ट्रिक्स जानने के लिए मैं मुनज़िर आपको इस तरह की वीडियोज़ हमेशा देता रहूँगा, हर दिन दूंगा इनफैक्ट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।